ये भाई आ रहे हिल डुल के 50% डूब चुका है तो हमारा रास्ता इसने रोक लिया। सही मंदिर है रामा जन्म ऊपर ऊपर का मुझे नहीं पता। हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मेरा नाम राहुल कुमार फ्रॉम ताजा सिटी ओडिशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरके ब्लॉगर। दोस्तों अभी मैं और करण जा रहे एक जगह पे घूमने के लिए और साथ में हमारा ब्लॉग भी होगा। सो पहले हम लोग जाएंगे समल, वहाँ पे एक दोस्त है उसको पिकअप करना है, उसके बाद हम लोग उस जगह पे जाएंगे। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बाकी उधर का नज़ारा जो है वो काफ़ी अच्छा है तो आपको मज़ा बहुत आएगा, तो प्लीज़ हमारे साथ एंड तक जुड़ रही है। चलो तो रेडी दोस्तों, बीच बीच में मेरा माइक का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है तो अगर वॉइस बीच बीच में ख़राब होता है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए। जय बजरंगबली। दोस्तों अभी टाइम हो रहा 4:12 और वो जो लोकेशन है वहाँ पे हमें पहुँचते पहुँचते हो जाएगी करीब 5 तो हो जाएगी, और देखते हैं हम लोग जल्दी से पहुँचेंगे वरना फिर शाम अंधेरा ना हो जाए। दोस्तों आज ना मैं सब कुछ लाया हूँ लेकिन बस ड्रोन लाना भूल गया। अभी मेरे को याद आ रहा है कि मैं कुछ तो नहीं लाया हूँ। जब मैंने सोचा कि क्या नहीं लाया हूँ तो बाद में देखा कि मैं ड्रोन नहीं लाया हूँ, तो आज मैं आपको ड्रोन फुटेज नहीं दिखा पाऊँगा। बस DSLR है अपने पास, मोबाइल है, अपना GoPro है, तो यही 3 चीज़ों से जो होगा ब्लॉग मैं आपको दिखाऊँगा। एंड बाकी आज हम लोग OETV का शूटिंग करने वाले थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से आज शूटिंग नहीं हो पाया, कैंसिल हो गई। तो शूटिंग कल है तो इसलिए आज मैं इधर आ गया ब्लॉग करने के लिए। लेकिन यार मैं ड्रोन क्यों नहीं लाया? बिना ड्रोन के हम ऊपर का व्यू कैसे दिखाएंगे? अगर ड्रोन नहीं होता तो वो अलग बात है, लेकिन ड्रोन होकर भी जहाँ पे हम लोग जा रहे ड्रोन शॉट नहीं लेंगे तो फ़ायदा कुछ नहीं है। सो चलो दोस्तों अब जो भी है मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम लोग वैसे भी 15-16 किलोमीटर आ चुके हैं तो अभी और हम लोग वापस नहीं जा सकते, तो आज जो भी होगा हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ड्रोन होता तो थोड़ा मज़ा आता, और चलो अभी जो हो गया है हो गया है और क्या करेंगे, तो आज हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा जैसे हम पहले करते थे। पहले हमारे पास ड्रोन नहीं था तब भी हम लोग ब्लॉग करते थे, और अभी हमारे पास ड्रोन नहीं है तब भी हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। छोटे छोटे यूट्यूबर्स के साथ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ होती रहती है तो ये खुद को मैनेज करना पड़ेगा। और इधर देखिए हरियाली, देखिए एकदम ग्रीन ग्रीन, वाह क्या नज़ारा है। उधर एकदम बहुत ही बड़ा पहाड़ है और उधर का पहाड़ आपको दिख रहा है, एक दिन अगर हमें मौका मिला तो हम उस पहाड़ के ऊपर जरूर चढ़ेंगे। चढ़ेंगे जरूर, क्या बोलते हो करण? चढ़ेंगे ना जरूर? जरूर जाएंगे जरूर। ओके अभी हम पहुंच गए समल बैरेज, सो यहां से हमें राइड जाना है। आज पानी कुछ ज्यादा ही लग रहा है। तो हम लोग कब से आ गए हैं और ये भाई आ रहे हैं हिल डुल के। कहाँ थे अब तक हम लोग, कब से आ गए हैं? तो ये जो रास्ता है इस तरफ एक बहुत ही फेमस मंदिर है चक्रेश्वर टेंपल, वहाँ हम लोग एक बार गए थे और एक ब्लॉग भी हमने किया है। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हो जाके, यहाँ इसी पहाड़ के ऊपर है। तो अभी थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगा है और ये एकदम जंगल और पहाड़ी लगा है इसलिए इधर ठंड ज़्यादा है। इधर का तो रास्ता ना ये पूरा एकदम मक्खन जैसा रास्ता है, आप गाड़ी लेके आओ इधर से मतलब अच्छे से जा सकोगे। इधर इतने बड़े पेड़ है, जंगल पूरा एकदम, और बाजू में नदी, इधर हाथी, सावधान हाथी निकलता है इधर से। विकी हाथी निकलता है इधर? कब निकलता है? अच्छा एक दो बार। दोस्तों इधर चलते हैं, आपको मैं एक नज़ारा दिखाऊंगा। दोस्तों ये देखिए समल बैरेज जो कि यहाँ से पूरा क्लियर दिख रहा है। यहाँ पे एक मछुआरे जी नाव चला रहे और हम जिस मंदिर को जाएंगे ना ये देखिए नदी के बिल्कुल उस पार है और हमें इस पार, तो अभी हम लोग उस पार जाएंगे। और ये रहा NTPC प्लांट और यहाँ पे देखिए एक मंदिर है जो कि पानी के अंदर बिल्कुल डूब चुका है, 50% डूब चुका है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नदी के उस पार और यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा फोटोग्राफी किया। दोस्तों अभी हमारा पेट्रोल भी खत्म हो रहा है और सबसे पहले हम लोग पेट्रोल डालेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे लोकेशन पे। अभी पेट्रोल का भाव चल रहा है 109,
और आने वाले 2-3 दिनों के बाद 110, 111, 12, 15 तक में भी पहुंच जाएगी। और इसके बाद है इलेक्शन, तब शायद पेट्रोल का भाव थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके पहले बिल्कुल नहीं होगा। अभी हम एक गांव के रास्ते से जा रहे हैं, और इस गांव का नाम क्या भी आमपाड़। ये क्या है नहीं मालूम। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं, सामने मंदिर है, इधर का नज़ारा देखिए दोस्तों। तो बाइक हम इधर रखेंगे। ओके गाइज, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये जो मंदिर है, क्या है, मंदिर है या आश्रम? मंदिर। अच्छा, ये मंदिर है, और यहाँ पे भगवान भैरवी नंदव उनका मंदिर है। तो अभी हम लोग अंदर जाएंगे। ओम माँ भैरवी नमः। सो अंदर देखा आपने, भगवान जी का कई सारा मूर्ति है अंदर, और यहाँ पे पूजा वूजा होता है। तो ऊपर का मुझे नहीं पता। सो बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे, और यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता। अगर हम लोग जो पुजारी है उनसे कुछ पूछेंगे तो हमें बहुत कुछ मालूम चल जाएगी। जिमिति राम जन्म होते नर रूप से, आ स्वयं भगवान कृष्ण जन्म होते नर रूप से, कलीर अवसान समय माँ भैरवी लावण्यवती नाम भैरवी रूप से जन्म होते। ये अंचल समस्त लोक मानक सहायता रोग व्याधि शोक सबकि दूरीकरण कले कलापर तक लीला सरगला सीए यह ध्यान छाड़ी चली गले। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो मंदिर है, हमने नदी के उस पार से जो मंदिर देखा था, ये वही मंदिर है। और उधर का सनसेट देखिए। तो बिकी यहाँ पे फर्स्ट टाइम कब आए थे? मैं बहुत छोटा था, इतना इतना छोटा कभी होता है, तुम तो पैदा होने से भी बिल्ली के बच्चे हो क्या? इतना छोटा पेट में था तब आए थे। नहीं बताओ, सही से बताओ, कौन से साल को आए थे? मैं आया था, मेरा 9-8 क्लास 9-8। मतलब कौन सा साल, ईयर कौन सा, मैट्रिक कौन से साल पे दियो? 2015। मतलब वही 2012-13 उस टाइम। ओके, तो अभी हम लोग घाट तरफ जा रहे हैं। गले कौन हम तर अलौकिक शक्ति अच्छी, आ माँ जो जो जी तर जो स्प्रिट से जिनस भी अच्छी, ता नई एटी अनाथ पे पाठ पढ़ुं बिना फ्री में खाया पीवा रहा सब दिखाई, आय लोक मैंने भी रही खाया पीया दिखाई, इनकेस कौन से भक्त भाई आसिक पहुँचले रही व्यवस्था होती। इधर पे एक मंदिर है, नया मंदिर बन रहा है, आ सका सन्ध्या माँ का भजन कीर्तन चले पूजा चले। आठ टोटाल देवादेवी अच्छा मानने 40 देवादेवी अच्छा पूजा होली तार भलमंद सब ये मंगलवार शनिवार माँ थी बेले जमी होता सरकम माँ का कौन सी शक्ति आसे बसिकी सबकि जिन हुआ। दोस्तों अभी बिक्की और करण ये दोनों गए हैं मंदिर के अंदर, बस मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आज मैं नॉनवेज खा लिया था, इसलिए मैं बाहर से ही मैंने दर्शन कर लिया। तो इनके आने के बाद हम लोग जाएंगे उस तरफ घाट तरफ। ये तो रही सरकम माँ अच्छा परिवार भी रही माँ का दी पु दी बो नाती नातुणी अच्छा आउ ये भक्त भाई भलमंद कि आश्रमवासी कम से कम 25 जन अच्छा। ये आम का पेड़ है ना, और ये काजू का, ये काजू का पेड़ है। दोस्तों हमने सोचा था कि इधर घाट है, लेकिन ये तो मतलब घाट मतलब ऐसे ही बस नाम का, गंदगी है बहुत। यहाँ पे नाव है मछुआरों के लिए, मैं बैठ कर उस पर जा रहा हूँ। अरे उस तरफ मत जाओ। तो उस तरफ पहाड़ देखिए, दोस्तों यहाँ पे जो पुजारी जी है, हमने उनसे बातचीत किया और हमें ये मालूम चला कि यहाँ पे जो मंदिर है उसके अंदर 40 देवादेवी मूर्ति है, और साथ ही साथ यहाँ पे बाजू में एक आश्रम है जहाँ पे बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं और फ्री में रहते हैं, फ्री में खाना पीना पढ़ना लिखना सब कुछ यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे साल में एक बार बहुत ही धूमधाम से पूजा होता है। तो काफ़ी कुछ हमें मालूम चला यहाँ आकर, और जैसे उन्होंने बताया कि 2017 पे जो यहाँ पे मेन जो देवी थी, 2017 पे उनका मौत हुआ, उसके बाद यहाँ पे मूर्ति
बना और यहाँ के लोग बहुत मानते हैं इस जगह को। तो और आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो लोग डोनेशन भी देते हैं ताकि आश्रम जो है वो अच्छे से चले और अनाथ बच्चे जो है वो अच्छे से रहे, उनका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा हो। सो बाकी इतना ही हमें मालूम चला है। और विक्की तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा यहाँ। और करण? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो हमें भी पहली बार आया ना यहाँ, तो मैं भी फर्स्ट टाइम हूँ, विक्की तो पहले आ चुका है एक बार, आ चुका है, बच्चा था मैं। सो हमें काफ़ी कुछ यहाँ पे मालूम चला। सो और बहुत अच्छा लगा, दिल से हमें अच्छा लगा और थोड़ा अभी अंदर से जो होता है ना शांति, वो चीज़ हमें फील हो रहा है। सो अभी अंधेरा हो गया है, सॉरी अंधेरा होने वाली है, अभी पूरा अंधेरा हो जाएगी थोड़ी देर में, और अभी टाइम हो रहा है 5:30, अभी हम लोग घर जाएंगे। सो अभी चलते हैं। दोस्तों आसमान का कलर देखिए, वाओ, लाल लाल, इधर आओ इधर आओ, देखिए देखिए, वाओ। करण देखिए इधर, मैं कैसा दिख रहा हूँ? एकदम चिकना। जय श्री राम। सो गाइज, होप कि आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो चलते हैं अभी घर। बाय 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 बाय, फिर बाय बाय, फिर मिलेंगे ब्लॉग करते करते, सेम टाइम सेम यार, सेम प्लेस, दूसरा प्लेस। सो चलो, बाय, लव यू।